हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम FCA वॉचमैन 2021 के लिए मैथ्स पढ़ने वाले हैं और हमारा टॉपिक है एवरेज। यहाँ पर हम एवरेज से संबंधित जितने भी प्रश्न देखेंगे, यह सभी प्रश्न FCA वॉचमैन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम 30 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है यह हमें बताना है। यहाँ पर हमें प्रथम 30 सम प्राकृत संख्या का औसत बताना है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रथम एन सम प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है। तो योग का फार्मूला होता है एन कोष्टक में एन प्लस वन होता है। प्रथम एन सम प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है, तो एन एन प्लस वन होता है। तो हमें प्रश्न में प्रथम 30 सम प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है। तो सबसे पहले हम प्रथम 30 सम प्राकृत संख्या का योग निकालेंगे। तो प्रथम 30 सम प्राकृत संख्याओं का योग की अगर बात करें तो उसका फॉर्म होता है n कोष्टक में n प्लस वन होता है। तो n कितना है, तो 30 है, 30 और 1 हो जाएगा 31। तो औसत बराबर क्या होगा, दिए गए परिणामों का योग। योग क्या है, तो 30 गुणित 31, और परिणामों की संख्या कितनी है, तो 30 है। तो यहाँ पर 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, 31। तो औसत कितना आया, औसत आया 31। तो यही हमारा आंसर है। हमारा आंसर कितना होगा, तो 31 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न दो। प्रश्न दो के कह रहे कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। यहाँ पर हमें 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताना है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 3 के प्रथम 5 गुणित निकालते हैं। तो कौन कौन से होंगे, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा और 15 होगा। तो हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत बराबर कितना है, दिए गए परिणामों का योग। तो इसे हमें जोड़ना है, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15, अपन परिणामों की संख्या। तो संख्या कितनी है, तो 5 है। तो हम इन्हें ऐड करेंगे, कितना आएगा, 45 अपॉन 5। तो 5 से आ गए 9 बार। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा, तो 9 होगा। और यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 के कह रहे कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। यहाँ पर हमें प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम प्रथम 9 अभाज्य संख्या देखते हैं। तो कौन कौन सी होगी, 2 होगी, 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, फिर 11 होगी, फिर 13 होगी, फिर 17 होगी, फिर 19 होगी और 23 होगी। तो ये क्या है, प्रथम 9 अभाज्य संख्या है। तो हमें क्या निकालना है, इनका औसत बताना है। तो औसत बराबर क्या होता है, दिए गए परिणामों का योग। तो इन सभी को हमें जोड़ना है, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23। इन सभी को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। औसत बराबर क्या होता है, दिए गए परिणामों का योग। तो योग कितना है, 100 है, और परिणामों की संख्या कितनी है, तो 9 है। तो यहाँ पर क्या होगा, 100 में हम 9 का भाग देंगे, तो 9 कम 9 1 बचा, तो ये हो गया 10। 9 कम 9, फिर 1 बचा, तो 1 ऊपर और नीचे 9। तो औसत कितना है, 11 से 1/9। तो यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 के कह रहे कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। यहाँ पर हमें 5 संख्या का औसत 10 दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि औसत बराबर क्या होता है, दिए गए परिणामों का योग अपन परिणामों की संख्या। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। योग बराबर क्या आएगा, जो औसत हमें दिया रहेगा इनटू परिणामों की संख्या। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले योग निकालना है। तो 5 संख्याओं का योग निकालना है। तो योग बराबर क्या आएगा, औसत क्या है, 10 इंटू परिणामक संख्या कितनी है, 5 है। तो 10 इंटू 5 के तहत 50 आएगा।
आगे प्रश्न कह रही है कौन सी संख्या जुड़ जाए, हम मान लेते हैं कि एक्स जुड़ जाए, तो 50 प्लस एक्स अपॉन परिणाम की संख्या कितनी आएगी 5, और हमने एक्स जोड़ दी कितनी आएगी 6, और औसत कितना जाता है 12 हो जाता है। तो यहाँ से क्या होगा 50 प्लस एक्स बराबर 12 × 6 कितना होगा, तो 72 होगा। एक्स बराबर आएगा 72 माइनस 50, तो एक्स बराबर आया 22, तो जोड़ी वाली जाने वाली संख्या क्या होगी, तो 22 होगी। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या कह रहे कि यदि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यह हमें बताना है। हम मान लेते हैं कि पहली सम संख्या एक्स है, पहली एक्स है, दूसरी हो जाएगी एक्स प्लस 2, तीसरी हो जाएगी एक्स प्लस 4 और चौथी हो जाएगी एक्स प्लस 6। तो हमें क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है। तो एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6 बराबर जाएगा, औसत कितना दिया 27 और संख्या कितनी है तो 4 है। तो एक्स कितनी बार है, 1 2 3 4, तो आएगा 4x+2 4 6 6 6 12। तो 27 × 4 कितना होगा, 4 7 28, बचा 2, 4 2 8 और 2 10, तो 4x बराबर आएगा 108 माइनस 12, तो 4x बराबर आएगा 108 में से हम 12 कटेंगे कितना बचेगा 96, 4 से आ गए 4 2 8 बचा 1 4 4 16, तो x बराबर आ गया 24। x कितना आ गया 24 आ गया। हमें क्या निकालना है, सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, x प्लस 6 है, तो x प्लस 6, तो x कितना है 24 है प्लस 6, तो 24 और 6 कितना होगा 30 होगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 30 होगी। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या करें कि 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तब तीसरी संख्या क्या है, यह हमें बताना है। यहाँ पर सबसे पहले हम 3 संख्याओं का योग निकालेंगे। तीन संख्याओं का योग, योग बराबर क्या होगा, तो औसत गुणित परिणामक संख्या कितनी है, तो 3 है, तो 7 3 21 आएगा। उसके बाद हमें पहली 2 संख्या को औसत दिया 4, तो हम यहाँ पर पहली 2 संख्याओं का योग निकालेंगे, तो औसत है 4 × 2, 4 2 8 आएगा। हमें क्या निकालना है, तीसरी संख्या बताना क्या होगी, हमें यहाँ पर तीसरी संख्या बताना क्या होगी। तो 3 संख्या का योग क्या है, 21 है, इसमें से हम पहली 2 संख्या का योग घटाएंगे 8, तो कितना बचेगा 13 बचेगा, तो तीसरी संख्या क्या होगी 13 होगी। तो यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या करेगी, 2 संख्याओं ए और बी का औसत 20 है, बी तथा सी का औसत 19 है और सी तथा ए का औसत 21 है, तो हमें ए का मान बताना है कितना है। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी का योग निकालेंगे, तो योग बराबर क्या होता है, औसत कितना है 20 है और संख्या कितनी है 2 है, तो 40 आ गया। उसके बाद बी तथा सी का औसत 19 दिया है, तो बी और सी जो है इसका हमें योग निकालेंगे, औसत दिया 19 और संख्या कितनी है 2 है, तो 19 × 38 आएगा। उसके बाद सी तथा ए का औसत, सी तथा ए का औसत हमें दिया है 21, तो हम उसका योग निकालेंगे, तो सी तथा ए का औसत दिया है 21 × 2, 21 × 2 = 42। इन सभी को हमें जोड़ना है, तो ए कितनी बार, 2 बार है, बी भी यहाँ 2 बार है और सी भी 2 बार है, तो
दो कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इन सभी का हमें ऐड करना है, 8 2 10, 1 और 4 5, 3 8 8 4 12, तो आएगा 120, 2 से आएगा ये 60 बार, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर आएगा 60। हमें क्या निकालना है, ए का मान, हमें यहाँ पर ए का मान बताना है, तो यहाँ पर बी प्लस सी का योग कितना है, 38 है, तो यहाँ से हम बी प्लस सी का मान यहाँ पर रखेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी इसमें से हम माइनस कर देंगे बी माइनस सी बराबर, तो 60 माइनस 38, तो बी और सी जो है यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर कितना बचेगा, 60 में से 38 जाएगा, तो 10 में से 8 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, तो ए का मान कितना है, 22 आया, यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या कह रहे कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, छोड़ी गई संख्या क्या है यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम 5 संख्याओं का योग निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 संख्याओं का योग निकालेंगे, तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुणित संख्या, तो औसत है 18 और संख्या है 5, तो 18 5 90। उसके बाद एक संख्या छोड़ देने पर, तो संख्या कितनी बचेगी, 4, तो हम 4 संख्याओं का योग निकालेंगे, 4 संख्याओं का योग, तो औसत कितना है, 16 है और संख्या कितनी है, 4 है, तो 16 4 64। हमें क्या निकालना है, छोड़ी गई संख्या, हमें यहाँ पर छोड़ी गई संख्या बताना है, तो 5 संख्याओं का योग कितना है, 90 है, इसमें से माइनस कर देंगे 4 संख्याओं का योग, 64, तो 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, 8 में से 6 जाएगा तो बचेगा 2, तो छोड़ी गई संख्या क्योंकि 26 होगी, और यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए, यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हो तो अन्य खिलाड़ी के औसत रन ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत कितने रन बनाए, 23 रन बनाए, तो सबसे पहले हम 11 सदस्य की टीम के रनों का योग निकालेंगे, तो योग बराबर क्या होता है, औसत, तो औसत है 23 और सदस्य की संख्या कितनी है, 11 है, 23 × 11 कितना होगा, तो 253 होगा। यहाँ पर यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हो तो अन्य खिलाड़ी के औसत रन ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 10 सदस्य है, 10 सदस्य के रनों का योग निकालेंगे सबसे पहले, तो 253 में से हम जो एक खिलाड़ी है, जो पहला जो खिलाड़ी है, इसका रन हम घटा देंगे, 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचा, तो 140, तो 10 सदस्य के रनों का योग कितना है, तो 140 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, अन्य खिलाड़ी के औसत रन, हमें अन्य खिलाड़ी के औसत रन ज्ञात करना है, तो 10 सदस्य के रनों का योग कितना है, 140 है, संख्या कितनी है, तो 10 है, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना बचा, 14, तो औसत कितना आएगा, 14 आएगा, तो यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या करें कि एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है, पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है, पुत्र की आयु कितनी है यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिता तथा माता की आयु का योग निकालेंगे, तो 35 × 2, 35 × 70 वर्ष, पिता और माता की आयु का योग कितना है, तो 70 वर्ष है। उसके बाद पिता
माता और उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। तो इन तीनों की आयु का हम योग निकालेंगे। तो पिता, माता और उसका एकमात्र जो पुत्र है, इन तीनों की आयु का योग, औसत हमें दिया 27 गुणित 3। तो 3 7 21 बचा 2, 3 2 6 और 2 8, तो 81 वर्ष। हमें क्या पूछा है? पुत्र की आयु। हमें यहाँ पर पुत्र की आयु बताना है। तो हम क्या करेंगे? पिता, माता और पुत्र की तीनों की आयु का योग कितना है? 81 वर्ष है। इसमें से माइनस कर देंगे हम पिता और माता की आयु, तो 70। 81 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा? 11। तो 11 वर्ष। पुत्र की आयु कितनी होगी? तो 11 वर्ष हो गई। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने औसत से संबंधित इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न देखे। यह सभी प्रश्न FCA वॉचमैन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।